29 वर्ष पहले मंडी जिला को भारत सरकार की तरफ से सेना भर्ती कार्यालय की जो सौगात मिली थी, अब उस सौगात के छिनने की पूरी संभावना बन गई है। कारण, बीते 29 वर्षों से इस कार्यालय को अपना भवन नसीब न हो पाना। पंडो के पास जमीन का चयन हुआ है, लेकिन वन विभाग से एनओसी नहीं मिल रही है। अगर जल्द ही एनओसी नहीं मिली तो फिर कार्यालय पालमपुर शिफ्ट हो जाएगा। वर्ष 1986 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने सेना भर्ती कार्यालय को पालमपुर से बदलवाकर मंडी लाया था, लेकिन आज दिन तक इस कार्यालय को अपना भवन नसीब नहीं हो सका। सेना भर्ती कार्यालय को भवन निर्माण के लिए 1320 स्क्वायर मीटर जमीन की आवश्यकता है और इस जमीन का चयन पंडो के पास किया गया है। यहाँ पर कुछ विभागों की जमीन उपलब्ध थी जिसे सेना को देने का निर्णय लिया गया है। वन विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों ने सेना को अपनी एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है और अब सिर्फ वन विभाग की एनओसी का इंतजार है। जमीन ट्रांसफर करने की यह प्रक्रिया लंबे समय से चली हुई है, लेकिन अभी तक वन विभाग एनओसी नहीं दे पाया है। इससे पहले एक बार सेना भर्ती कार्यालय के लिए सुंदरनगर में भी जमीन का चयन किया गया था, जिसे भी काफी अड़चनों के बाद प्रशासन ने वापस ले लिया था। अब पंडो के पास चिन्हित की गई जमीन पर भी एनओसी न मिलने की बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसे झंझटों से परेशान होकर अब सेना ने अपने इस कार्यालय को दोबारा से पालमपुर शिफ्ट करने का निर्णय ले लिया है। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल अमरजीत वासदेव के अनुसार, अगर जल्द ही एनओसी नहीं मिली तो फिर इस कार्यालय को दोबारा से पालमपुर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमने हमारे को लैंड जो अलॉट किए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, मोयाल सियोगी करके जगह है पंडो में, उसमें लैंड अलॉट हुई है। सबके एनओसी आ गए हैं, लेकिन अभी फॉरेस्ट वालों के नहीं आए हैं, तो फॉरेस्ट वाला एनओसी जब आएगा उसके बाद ही उसके ऊपर हमारा कुछ एआरओ बनेगा। नहीं, वो हमने रिक्वेस्ट किया, अगर हमारे को नहीं एक्सेप्ट कर रहे यहाँ पे तो फिर फायदा नहीं हमारे को यहाँ पे एआरओ खोलने का। अगर हमने यहाँ बच्चों के लिए हम आए हैं तो हमारे को कोई जगह मिलनी चाहिए जहाँ अपनी, अभी हम किराए की जगह पे रह रहे हैं, तो जब हमारे को जगह मिल जाएगी फिर हम वहाँ पे अपना एआरओ बना लेंगे। अगर नहीं मिले तो फिर वो डिसीजन लेना पड़ेगा हमारे को, वापस कहीं जाना या दूसरी जगह जाना पड़ेगा। बता दें कि इस कार्यालय का मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के युवाओं को लाभ मिलता है। प्रतिवर्ष इस कार्यालय के माध्यम से सैकड़ों युवा सेना में भर्ती होते हैं। अभी सेना भर्ती का यह कार्यालय एक प्राचीन भवन में चल रहा है और इस भवन की हालत काफी दयनीय है। 29 वर्ष इस भवन में जैसे तैसे बिताने के बाद अब सेना के सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।